हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्वेट में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब चलता है या नहीं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है क्योंकि ये आपका बहुत ही काम पे आने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तो गाइस, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया में इसका कितना यूज हो रहा है। आप छोटा सा दुकान में जाएंगे, आप किसी भी टैक्सी में जाएंगे, किसी को भी आप पेमेंट करना है, आपको हर जगह में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे अवेलेबल मिल जाता है। लेकिन क्वेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेट में जो दुकान है उसे बकाला कहते हैं। वहां पे भी जाएंगे तो आपको बस स्वैप करने एंड टैप करने का मशीन मिलेगा। आप अपना कार्ड स्वैप करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितना भी रेस्टोरेंट है जहाँ पे भी जाएंगे आप लोग स्वैप करके या टैप करके आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन फोन पे, पेटीएम एंड गूगल पे क्वेट में आप लोगों के लिए भी जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे जब भी आपको सैलरी मिलेगा आपका अकाउंट में आ जाएगा, वहां से आपको ट्रांसफर करना है। जैसे किसी भी इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसका 1 KD चार्ज लगता है, तो इंडियन करीब 257 रुपीज हो जाता है। तो अगर आप 500 रुपीज भी ट्रांसफर करेंगे तो आपका 1 KD चार्ज है। अगर आप 20,000 भी ट्रांसफर करेंगे तो आपका 1 KD चार्ज है। तो जो छोटा मोटा का पेमेंट है उसे भी करने के लिए आपका 1 KD का चार्ज लगता है, यानी एक बार ट्रांजेक्शन का आपका 1 KD चार्ज लगता है। तो अगर आपके पास फोन पे या गूगल पे या पेटीएम है तो आप अपना जितना भी सैलरी है आप अपना इंडिया का किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आप वहां से फोन पे या पेटीएम से यहाँ से आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपका जो चार्ज है वो आपका सेविंग्स हो जाएगा। जैसे मेरे को अभी किसी को 500 रुपीज देना है तो मैं अगर यहाँ से भेजूंगा मेरा 1 KD चार्ज आ जाएगा, लेकिन मैं बाई पेटीएम बेचता हूँ तो मेरे को फ्री मिल जाता है, कोई भी कॉस्ट नहीं है उसका। अभी मैं जितना भी मेरा सैलरी मिलता है मैं अपना इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, उसके बाद बाई पेटीएम या बाई फोन पे, बाई गूगल पे मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए कोई भी चार्ज नहीं आता एक्स्ट्रा। तो मेरा जितना सैलरी है वो इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए मेरे को बस 1 KD चार्ज लगता है। उसके बाद जितना भी छोटा मोटा पेमेंट करना है मैं अपना अकाउंट से बाई पेटीएम, बाई फोन पे कर सकता हूँ। अभी आप लोगों का मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फोन पे जो है, गूगल पे जो है, उसमें अगर सिम निकाल दिया जाता है तो वो काम नहीं करता है। जो सिम अकाउंट में दिया हुआ है वही सिम चाहिए चलाने के लिए। तो अगर हम लोग क्वेट में जाएंगे इंडियन सिम नहीं चलेगा तो वहां पे गूगल पे, फोन पे कैसे चलेगा? तो गाइस, उसका भी सोल्यूशन लेके आया हूं मैं आप लोगों के सामने। जैसे आप लोगों का बैंक अकाउंट में जो नंबर दिया हुआ है वो सिम आप अपने साथ लेके आइए। यहाँ पे आने के बाद आप उस सिम पे रोमिंग पैक डालेंगे, उसके बाद आपका सिम पे नेटवर्क मिल जाएगा। आप यहाँ पे आके चला सकते हैं फोन पे या गूगल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आप लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि मैं रोमिंग पैक डालूं उसके बाद मेरे को नेटवर्क मिले, तो सबसे बेस्ट आइडिया है आप लोग का जो पेटीएम ऐप से वो आप इंडिया में ओपन करके लेके आ जाइए। क्योंकि अगर आप अपना फोन से सिम कार्ड को रिमूव कर देते हैं उसके बाद भी आपका पेटीएम ऐप्स काम करता है, तो पेटीएम ऐप्स के थ्रू आप लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसे करने से आपका 2-3 KD, 4 KD जैसा सेव हो जाता है। क्योंकि अगर आप बार बार ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका बार बार 1 KD करके चार्ज लगेगा हर एक बार। इसके लिए आप लोग ये काम जरूर कीजिए, इसमें आप लोगों का बहुत ही ज्यादा पैसा सेव हो जाएगा। जैसे कभी कभी आप लोगों को कुछ इंडिया पे किसी का फोन रिचार्ज, कहाँ से आप रिचार्ज डालेंगे तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो अगर आपके पास फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ये सब काम करता है तो आप घर का किसी का भी मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंडिया में काम करता है सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी काम करता है। आपको पेटीएम ओपन करके यहाँ पे लेके आना है, उसके बाद आप लॉगआउट मत कीजिए, आपका पेटीएम बराबर काम करेगा। इन फोन पे एंड गूगल पे जब भी आप सिम रिमूव कर देंगे तो गूगल पे एंड फोन पे काम करना बंद कर देता है। इसलिए अगर आप गूगल पे एंड फोन पे यूज करते हैं तो आप अपना सिम लेके आइए साथ में, यहाँ पे आप रोमिंग पैक डाल देंगे, उसके बाद आपका सिम भी काम यहाँ पे करेगा। जैसे मेरे को लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपके लिए वीडियो बना दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।